देश के इस सबसे लंबे पुल धोहा सदिया पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बता दें कि पुल से टैंक भी गुजर सकते हैं। भारत चीन सीमा पर इससे सेना को मजबूती भी मिलेगी। मोदी का असम दौरा है आज, और मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर धोहा सदिया पुल का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है।